बीएनबी ऑन इंडिया, सच है तो बोलेगा ही। बीएनबी की ओर से समस्त देशवासियों को 73वें गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। दर्शन को यदि हम देखें तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है या उतार लेता है, वो यदि हम उनके जीवन को देखें तो उसे अवश्य रूप से सफलता मिलती है। हमारा जो ये देश भारत है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र, ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके। क्या योगदान रहा नेताजी के, क्या क्या योगदान रहे? देखते हैं कि उन्होंने जो है गरम दल के नेता के रूप में उन्हें जाना गया। के बीच है कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है अच्छाई, जिसको हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, उसे हम सबों के अंदर जगाने की जरूरत है। जयंती मनाने के लिए इसलिए बैठे हैं, उनके बारे में, उनके योगदानों के बारे में हम सभी लोग जान सके। महान स्वतंत्रता सेनानी थे और नेताजी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी का शिक्षा, क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू और अपने प्रिंसिपल पर चलने का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। पिता शहर के एक मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस एक जबरदस्त मेधावी छात्र थे। महान सबूत और नेक्स्ट जो है आत्मरक्षा कार्यक्रम। आत्मरक्षा में हम लोग क्या भारत की राजनीतिक गतिविधियों को आगे की ओर ले जा सके, कर सकते हैं। रक्षा के साथ साथ वो दूसरों का भी सहयोग कर सकते, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, इसके पीछे जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि बालिकाओं को प्रमोट करना, लड़कियों को। हमारा इंदिरा गांधी उसी दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और जैसा आपने बताया, बहुत कुछ आपने इसके बारे में बताया कि हम आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य, पोषण सभी बारे में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम सभी को जानकारी भी मुहैया कराते हैं कि हर घर में, हर परिवार में बच्चियां होती है, फिर माँ होती है नहीं है, वो सिर्फ लड़कों से शारीरिक विभिन्नताओं के कारण कमजोर होती है और कमजोर मानी जाती है। From reverse, तो आप उसको ऐसे टर्न करके उसी का हाथ ऐसे मोड़ सकती हैं, ओके? कोशिश करें। जी नमस्कार, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।